जहाँ तक बात है IRS सर्टिफाइंग एक्सेप्टेंस एजेंट की और IRS एनरोल्ड एजेंट की, दीज आर द फेडरल लाइसेंसेस ऑथराइज बाय IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, दैट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टैक्स कलेक्शन एजेंसी। ये US की टैक्स कलेक्शन एजेंसी है, सेम लाइक FBR हेयर इन पाकिस्तान। सो वी आर लाइसेंस्ड फर्म एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स एन ऑनर एंड वी फील प्राइड। पाकिस्तान में वी आर द फर्स्ट प्राइवेट फर्म के हमें IRS का लाइसेंस अवार्ड किया गया है। जहाँ तक बात है हमारी फर्म की, वी आर बेस्ड इन शिकागो। शिकागो बेस्ड फर्म जो हमारा ऑफिस है वो पूरी दुनिया से हमारे क्लाइंटेल है, अराउंड 22 स्टेट्स से और अराउंड 9 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो IRS एनरोल्ड एजेंट हैं और IRS सर्टिफाइंग एक्सेप्टेंस एजेंट हैं। इसके साथ साथ वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो लोगों को गाइड करते हैं और बताते हैं कि USA में लोग अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हसन अब्बास साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अब्बास साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं IRS एनरोल्ड एजेंट और IRS सर्टिफाइंग एक्सेप्टेंस एजेंट, इसके बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच अली रहमान, आई एम ऑनर्ड बीइंग हियर। जहाँ तक बात है IRS सर्टिफाइंग एक्सेप्टेंस एजेंट की और IRS एनरोल्ड एजेंट की, दीज आर द फेडरल लाइसेंसेस ऑथराइज बाय IRS which is Internal Revenue Service, that is the world's largest tax collection agency. ये US की tax collection agency है, same like FBR here in Pakistan. So we are licensed firm and alhamdulillah it's an honor and we feel pride कि हमें पाकिस्तान में we are the first private firm कि हमें IRS का लाइसेंस award किया गया है। So जहाँ तक बात है हमारी फर्म की, वी आर बेस्ड इन शिकागो एज वेल एज आवर ऑफिस इज़ बेस्ड इन लाहौर विच ओवरसीज़ द पाकिस्तान ऑपरेशंस। हम वहाँ पे शिकागो बेस्ड फर्म जो हमारा ऑफिस है वो पूरी दुनिया से हमारे क्लाइंटेल है, अराउंड 22 स्टेट्स से और अराउंड 9 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। सर आपकी जो फर्म है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और किन लोगों को टारगेट करके वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है? सो बेसिकली अली हमारी फर्म जो है वो कंपनी फॉर्मेशन सर्विसेज देते हैं। हम कंपनी के टैक्स IDs विच इज़ कॉल्ड EIN एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल टैक्स ID विच इज़ कॉल्ड ITIN इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, हम टैक्स फाइलिंग में भी हेल्प करते हैं लोगों की, और हम रीसेलर सर्टिफिकेट्स, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंसेज जो कि पाकिस्तानी ट्रेडिंग फर्म्स को रिक्वायर होते हैं US मार्केट को टारगेट करने के लिए। सर मुझे ये बताइएगा कि जो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं USA में, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? ये अली आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो US में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स बिजनेस करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको गाइडलाइन प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। उनको ये ही नहीं पता कि हमें किस किस्म का लाइसेंस प्रोफेशनल चाहिए, ईदर इट शुड बी एन अकाउंटेंट और इट शुड बी एन एनरोल्ड एजेंट और सर्टिफाइंग एक्सेप्टेंस एजेंट। वहाँ पे US में तीन किस्म के लाइसेंसेस हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ एन अटर्नी लीगल एडवाइज़र, सेकेंड CPA एंड द थर्ड वन इज़ एनरोल्ड एजेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, अटर्नीज और CPA स्टेट वाइड लाइसेंसेज हैं। इट मीन्स कि अगर US की 50 स्टेट्स हैं तो 50 स्टेट की बॉडीज़ की डिफरेंट लाइसेंसेज हैं अटर्नीज और CPAs के लिए। बट इन कंट्रास्ट टू दीज टू लाइसेंसेज, जो एनरोल्ड एजेंट का लाइसेंस है वो फेडरली मिनिस्टर होता है बाय IRS एंड वी हैव द ज्यूरिसडिक्शन ऑल ओवर द 50 स्टेट्स एज वेल एज अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। तो एनरोल्ड एजेंट फैसिलिटेट करते हैं कंपनी फॉर्मेशंस में, लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं, उनकी बिजनेस एडवाइजरी हम करते हैं। सेकेंडली लोगों को ये नहीं पता होता कि हमने बिजनेस स्ट्रक्चर क्या डेवलप करना। फॉर इंस्टेंस यहाँ से अगर आप कोई एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है वो सोल प्रोप्राइटर के थ्रू करता, ठीक है,
ये ऑप्शन वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों के लिए, फॉरेन लोगों के लिए इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती. सो दे हैव टू हैव द सी कॉर्प LLC पार्टनरशिप. ये तीन, और एक एस कॉर्प भी है, बट फॉरेनर्स के लिए ये तीन किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जिनको, जिनमें से उन्होंने एक चूज करना होता. सेकेंडली, उनको कंपनी टैक्स आईडी कैसे एक्वायर करना, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. एज अ फॉरेनर आप कंपनी टैक्स आईडी कैसे अप्लाई करें, दिस टाइप ऑफ सर्विस वी प्रोवाइड. सेकेंडली, उनको टैक्स आईडी, अपना इंडिविजुअल टैक्स आईडी अप्लाई कैसे करना. सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑनर्ड, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान में ITIN एप्लीकेशन के लिए वी आर द ओनली फर्म, HQ लॉ ऑफिसेज एंड HQ टैक्स एंड फाइनेंशियल आर द ओनली फर्म्स इन पाकिस्तान जो कि ITIN अप्लाई करने के लिए ऑथराइज है. सो ITIN बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए कि और वाई इट इज़ नीडिड इन ऑर्डर टू एक्वायर द 100% ओनरशिप इन द कंपनी और इट कुड बी एनी परसेंटेज. जब तक आपके पास ITIN नहीं है आप कंपनी में ओनरशिप को क्लेम नहीं कर सकते. सेकेंडली, इन ऑर्डर टू ओपन अप द बैंक अकाउंट, अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है तो बैंक की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि कंपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना ITIN सर्टिफिकेट दें. यहाँ से बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी, जब जिनके पास बिजनेस वीज़ा है या वो अप्लाई करते हैं उनको अवेलेबल हो जाता है, वो वहाँ पे जाते हैं, व्हेन दे स्टेप इनटू द US बैंक ब्रांच वो कंपनी डॉक्यूमेंट्स आगे करते हैं एंड द बैंकर ब्रांच मैनेजर आस्क के जी अपना ITIN सर्टिफिकेट दें एंड दे आर टोटली सरप्राइज एंड शॉक्ड कि ये तो हमें पता ही नहीं था, इसकी तो अवेयरनेस ही नहीं थी. वी थॉट कि हमारे अकाउंटेंट ने जिससे भी हमने सर्विसेज ली उसने कहा कंपनी फॉर्म करें, वहाँ जाएँ आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा. सो इट यूज़ टू हैपन इन द पास्ट लाइक 5 years ago, नाउ इट्स अ की रिक्वायरमेंट. आप अपना ITIN सर्टिफिकेट जब तक नहीं प्रेजेंट करेंगे आपका कंपनी बैंक अकाउंट नहीं ओपन होगा. सो दिस वॉज द चैलेंज. एंड अगेन, कि बैंक खोलना कहाँ पे है, बहुत कॉमन मिसपरसेप्शन ये है कि आप न्यूयॉर्क में कंपनी खोलें और आप इलिनॉय शिकागो में बैंक अकाउंट ओपन कर दें. ये ऐसा नॉर्मली पॉसिबल नहीं है. कोई एक बैंक ये ऑफर कर रहा है सर्विसेज, रेस्ट ऑफ द बैंक्स इस द स्टेट वाइड बैंकिंग लॉज हैं जो कि आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि अगर आपकी कंपनी न्यूयॉर्क में है आप उसका कैलिफोर्निया बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकते. यू हैव टू फ्लाई इनटू द न्यूयॉर्क इन ऑर्डर टू बैंक अकाउंट, इन ऑर्डर टू ओपन अप द बैंक अकाउंट देयर. सर, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग USA में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या आप उनको बिजनेस आइडियाज़ के हवाले से भी कोई गाइडलाइन फ्राहम करते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर बैडली नीडेड है. यस, वी डू प्रोवाइड बिजनेस कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज. जिस तरह यहाँ पे आप एक बंदा मार्केट में कैपिटल लेके आता है, अब उसको दो प्रॉब्लम या दो चैलेंजेस प्राइमरीली फेस हो सकते हैं कि मेरे पास आइडिया क्या होना चाहिए या मैं किस तरह का बिजनेस करूँ या किस तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ. और अगर उसके पास आइडिया है तो उसको ये श्योरिटी या सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि क्या उसकी कैपिटल या उसकी जो बजट एलोकेशन है वो सेफ है. इस सिलसिले में हम एडवाइजरी देते हैं, हमारी फर्म HQ लॉ ऑफिसेज लाहौर में और HQ टैक्स एंड फाइनेंशियल शिकागो में, बोथ कंट्रीज़ में हमारी जो टीम है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है. हम प्रॉपर लोगों को गाइड करते हैं कि आपको ई कॉमर्स, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल कितना है, बेस्ड ऑन देयर कैपिटल एंड द कंट्रीब्यूशन हम वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिजनेस में उनको बताते हैं कि इट्स फिजिबल फॉर यू टू इन्वेस्ट इन द ऑनलाइन बिजनेस. इफ़ यू हैव अ ह्यूज कैपिटल, यू हैव अ वीज़ा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम बैक एंड फोर्थ फ्लाइंग, तो हम कहते हैं आप एक्सपोर्ट करें, यहाँ से आप एक्सपोर्ट करें या कोई वहाँ की US मार्केट में कोई ऐसी ग्लोबल मार्केट है, वहाँ की कोई चीज़ है जो आप US में, पाकिस्तान में सॉरी, इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो हम उसमें फैसिलिटेट करते हैं. ऑनलाइन एजुकेशन और ट्यूटरिंग के बहुत ज़्यादा मौके हैं. US 330 million की मार्केट है, एजुकेशन लेवल आपको पता है वहाँ पर, तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, जो हाईली एजुकेटेड पर्सनल यहाँ पे अवेलेबल हैं, दे कैन ऑफर देयर एजुकेशन सर्विसेज, ट्यूटरिंग सर्विसेज ऑनलाइन. इसके साथ हम कस्टमर सपोर्ट सेंटर्स, जिनको आउटबाउंड कॉल सेंटर्स कहते हैं, वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स एक्वायर कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. सो US मार्केट में आपको पता है हर बिजनेस अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए आउटसोर्स करता है, सो दे लुक फॉर टैलेंट. रिसेंटली मुझे पता लगा कि वेस्टर्न यूनियन का रीजन वाइज कॉल सेंटर पाकिस्तान में है. US बेस्ड कंपनी वेस्टर्न यूनियन जो कि ग्लोबली ऑपरेशंस रखती है, उसका कस्टमर सपोर्ट सेंटर पाकिस्तान में. सो दीज आर द डिफरेंट आइडियाज़ वी कैन एडवाइज. देर आर अलॉट ऑफ अदर आइडियाज़ बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज़.
हम उनको ये भी कहते हैं कि ये सर्टिफिकेशन है 6 मंथ की, आप ये सर्टिफिकेशन कर लें, उसके बाद यू विल बी एनेबल्ड टू ऑफर दीज सर्विसेज टू द ग्लोबल मार्केट। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस भी है, यूएसए में जो लोग अपना बिजनेस स्टार्टअप की स्टेज पे लेके आना चाहते हैं या कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको आप क्या तजवीज़ देंगे, क्या रिकमेंड करेंगे? अगेन इट्स वेरी मच नीडेड इन दिस सिचुएशन वेयर द इकॉनमी इज गोइंग डाउन आफ्टर द कोविड, ऑलरेडी वेंट डाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई बंदा यूएस में बिजनेस करने का प्लान करता है, ही हैज़ अ कैपिटल, ही हैज़ एन इन्वेस्टमेंट, ही आल्सो हैज़ एन आइडिया। अगर वो सियालकोट से बिलोंग करता है और उसकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक है, ही नोज़ वेयर टू फाइंड द टारगेट मार्केट इन यूएस। लेकिन इसको स्टार्टअप, इसको परसू करने के लिए आइडिया को, इसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन के लिए उसको ये चाहिए कि वो प्रॉपर प्रैक्टिशनर और ऑथराइज लाइसेंस होल्डर से वो कॉन्टैक्ट करें, उससे एडवाइस ले। वी कैन हेल्प दैम आउट इन द बिजनेस एडवाइजरी, हम कंपनी फॉर्मेशन में, फिर हम उनको ये बताएंगे कि आपकी इंडस्ट्री किस स्टेट से बिलोंग करती है, आपने कहाँ पे फ्लाई करना है, वहाँ पे आपको टारगेट मार्केट को आप कैप्चर कर सकेंगे और वहाँ से आप टारगेट और ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्वायर करेंगे। एंड वी विल गाइड दैम विच कंपनी स्ट्रक्चर विल बी बेस्ट फिट फॉर दैम, उनके टैक्स आईडीज के मैटर, उनके टैक्स फाइलिंग के मैटर, उनके लाइसेंसेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के, उनको हम कॉन्फ़िगर और उनको हम उनके लिए स्मूथ लाइन प्रोसेस को हम हेल्प आउट करेंगे। न्यू स्टार्टअप्स के लिए एडवाइस ये है, आईटीएन अप्लाई करें, कंपनी फॉर्म करें, लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करें, टैक्स रिटर्न्स टाइमली फाइल करें, IRS जो वहाँ पे है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड रिजिड इन टैक्स कलेक्शंस। वो एक टैक्स फाइलिंग 15 दिन लेट होती है, दे सेंड यू अ $4,000 पेनल्टी लेटर एंड दे विल सीज योर बिजनेस ऑपरेशंस, दे विल शट डाउन योर कंपनी। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने टैक्स फाइलिंग नहीं की और IRS को भी पता नहीं लगेगा, आई विल नीड सम टाइम विदाउट फाइलिंग एन एक्सटेंशन, तो ये आपकी भूल है। IRS बैंक को ये कह सकता है कि इनके बैंकिंग ऑपरेशंस को सीज कर दें। इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन ये आती है जिसमें हम लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि दे हैव ऑनलाइन बैंक सेटअप और पेपाल में वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी टाइमली वेरिफिकेशन नहीं हो पाती, उनके टैक्स आईडीज वहाँ पे एंटर नहीं हुए होते, पेपाल उनका वेरीफाइड नहीं होता, बैंक अकाउंट उनका वेरीफाई नहीं होता। सो दीज आर द हर्डल्स वेयर दे नीड टू सेटअप देयर ITIN फर्स्ट। उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं, उनके पैसे वहाँ पे होल्ड पे चले जाते हैं, एंड आई हैव सीन मैनी केसेस जहाँ पे उनका रेवेन्यू 10 मंथ्स के लिए स्टक रहा और अल्टीमेटली उनकी कंपनी डिसोल्यूशन की तरफ गई। सो अगेन अप्लाई एन ITIN, फॉर्म द कंपनी, ओपन अप द बैंक अकाउंट एंड देन स्टार्ट डूइंग बिजनेस प्रॉपरली। सर कासिम अली शाह साहब सबके लिए एक मोटिवेशन भी हैं, इंस्पायरेशन भी हैं, पाकिस्तान में या बाहर, सर आप उनके बारे में क्या राय देना चाहेंगे? आई एम पर्सनली ह्यूज फैन ऑफ कासिम अली शाह साहब, ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, द डिफरेंस ही इज मेकिंग इन द कम्युनिटी एंड द नेशन बिल्डिंग वॉज नीडेड डेकेड्स अगो। मेरी ये दुआ है और ये ख्वाहिश है कि इस कासिम अली शाह साहब की तरह के और लोग भी पैदा हों ताकि नेशन बिल्डिंग में अपना रोल प्ले कर सकें। उनकी कंट्रीब्यूशंस, उनकी खिदमात को बहुत सारा सलाम और उनके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि जो लोग यूएस में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और वहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत ही मुफीद साबित हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।